सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। क्या है? उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अब देखिए, जैसे जैसे मानव विकास हुआ तैसे वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने, मानव विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी। अब विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी तो वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे वस्तु की कीमत धातु में मापी जाने लगी और साथ ही वस्तु विनिमय का गायों को भी वस्तु विनिमय का माध्यम माना जाता था। धीरे धीरे लोगों में इस तरीके से आदान प्रदान होने लगा। तो देखिए 1986 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह होता है उप प्लस भोग, अर्थात उस वस्तु का मूल्य अदा करने के बाद उस वस्तु को उपयोग में लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, या आंशिक मूल्य देने के बाद उसका उपयोग लेता है उस वस्तु का, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। तो 1986 यानी दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ उसके अनुसार उपभोक्ता कौन होगा कि उस जो वस्तु का प्रतिफल देने के बाद उसको उपयोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है, या आंशिक प्रतिफल देकर के उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो आज हम सबसे पहले हम उपभोक्ता को पढ़ेंगे। उपभोक्ता, तो देखिए उपभोक्ता कौन होता है? मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकता बढ़ने लगी, मानव विकास के साथ साथ जो मैंने पहले बता दिया आपको, मानव विकास के साथ साथ मानव आवश्यकताएं बढ़ने लगी और उनकी आवश्यकता के लिए वस्तु की आवश्यकता पड़ने लगी, और इस वस्तु की आवश्यकता पड़ने के कारण लोग वस्तु का विनिमय होने लगा। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त करना। जैसे अनाज के बदले क्या लेते थे, आज भी हम उदाहरण मिलेगा हमें वस्तु विनिमय का, गांव में सब्जी लेते हैं अनाज के बदले, तो ये क्या है? सब वस्तु विनिमय। गाय के बदले कुछ और अन्य किसी चीज को ले लेते हैं तो वस्तु के बदले, और मुख्य रूप से उस समय तो गाय को वस्तु विनिमय का एक अच्छा माना जाता था, गाय के बदले। तो अब देखिए यहाँ भी आपकी पाठ्य पुस्तक है, वो भी ये कह रही है आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती धातु जैसे सोना चांदी की बनी मुद्राओं का चलन शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि गायों को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करे, अब देखिए उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसका उपयोग करे, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसका उपयोग करे तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। और क्या हुआ इसका? उप प्लस भोक्ता, प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति, उप प्लस भोक्ता। तो इसका अर्थ होगा
प्राप्त करके लाभ लेने वाला व्यक्ति, ठीक है, उपप्लस भोक्ता, प्राप्त करके लाभ लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। और उसमें हमने पहले ही बताया कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देने के बाद उस वस्तु को प्राप्त करके उस व्यक्ति उस वस्तु का जो लाभ लेता है वो लाभ लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य अदा करने के बाद उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है और उसका उपयोग या लाभ लेता है तो वो लाभ लेने वाला वस्तु का लाभ लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है। अब देखिए ये तो हो गया, एक बार इसको देख ले, उसके बाद 86 के अनुसार उपभोक्ता किस अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस व्यक्ति को उपभोक्ता मानता है, पहले इसको एक बार और रिकॉल करके देख लेते हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य दे करके, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य दे करके उसका लाभ प्राप्त करता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य देने के बाद जो उस वस्तु या सेवा से जो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उप प्लस भोक्ता, प्राप्त करके लाभ लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले ले, उसके बाद इसको मिटा देंगे। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता, उपभोक्ता भोक उपभोक्ता। तो देखिए 1986 है तो उसके अनुसार उपभोक्ता कौन है, तो सबसे पहले आता है किसी वस्तु, किसी वस्तु या सेवा, किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल यानी मूल्य, प्रतिफल मूल्य का भुगतान कर दिया हो, प्रतिफल यानी मूल्य का भुगतान कर दिया हो। क्या कहलाता है, वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। भुगतान कर दिया हो या
भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक है, नंबर एक, भाई किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल यानी मूल्य देने दे दिया हो या भुगतान करने का। नंबर दो, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो, क्या कर दिया गया हो, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो, या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक है, करने का वचन दिया हो, प्रतिफल का भुगतान। नंबर तीन, प्रतिफल का भुगतान, प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार, प्रतिफल का भुगतान विलंबित विधि के अनुसार, विलंबित विधि के अनुसार भुगतान करने का वचन दिया हो। विलंबित विधि के अनुसार भुगतान करने का वचन तो अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन व्यक्ति होगा, तो सबसे पहले आप बताओगे कि किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है मूल्य का भुगतान करने कर दिया गया हो या कर भुगतान करने का वचन दिया हो। नंबर तीन जो शर्त आती है, नंबर दो वाली जो शर्त आएगी वो आएगी प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर देने का क्या दिया हो, वचन दिया हो। ठीक है, प्रतिफल का भुगतान विलंबित विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो, अर्थात क्रय की गई वस्तु का मूल्य देने के बाद जो अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, अंतिम वस्तु का भोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्रय की गई वस्तु का जो अंतिम उपभोग करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। तो ध्यान रहे, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन व्यक्ति होगा, तो कौन व्यक्ति होगा, जो प्रतिफल किसी वस्तु का प्रतिफल देने का वचन देता हो या भुगतान कर दिया गया हो या आंशिक प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया, आंशिक प्रतिफल का भुगतान करने का वचन दे दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कहलाता है। वो भी कौन, अंतिम वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति, यानी वस्तु का अंतिम जो उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण
1986 के अनुसार उपभोक्ता के जो मापदंड थे वो है क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता दो वर्गों में बांट कर लाभान्वित किया गया है, माल का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। अब देखिए ये हो गया उपभोक्ता। संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अब इसमें भी दो तरीके के उपभोक्ता होता है, एक माल का उपभोक्ता एक सेवा का उपभोक्ता। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता को दो वर्गों में बांटता है। कितने वर्गों में बांटता है भाई? दो वर्गों में बांटता है। पहला जो है वह है वस्तु का उपभोक्ता, वस्तु का उपभोक्ता। नंबर दो सेवा का उपभोक्ता। हो गई भाई, दो तरीके से बांट दिया, वस्तु का और सेवाओं का। अब देखिए व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से दो प्रकार उपभोक्ता को दो भागों में बांट दिया। अब आता है व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति अधिनियम में व्यक्ति शब्द निम्नलिखित शामिल हैं। अधिनियम में व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित शामिल है। भाई व्यक्ति किसे कहते हैं अधिनियम के अनुसार शामिल है। सबसे पहले पंजीकृत अपंजीकृत फर्म, पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म, ये भी व्यक्ति की गिनती में आएंगे। नंबर दो संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार सहकारी संस्था। नंबर तीन सहकारी संस्था। नंबर चार में आएगा व्यक्ति या कोई व्यक्ति संघ
संघ। तो ये इन्हें व्यक्ति किसमें माना है भाई, वो किसको मानेंगे, उस व्यक्ति अंतिम व्यक्ति जो वस्तु को भोग कर रहा है वही उपभोक्ता कहलाता है। तो इसमें देखो पंजीकृत फर्म या अपंजीकृत फर्म ये व्यक्ति की अधिनियम संरक्षण के अनुसार व्यक्ति शब्द में ये सम्मिलित हैं, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्था, व्यक्ति या कोई संस्था, ये सारे किसमें शामिल हैं, व्यक्ति में शामिल हैं। किसमें शामिल है भाई, व्यक्ति में शामिल हैं। किसमें, व्यक्ति में शामिल हैं। तो इस तरीके से हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन व्यक्ति होगा, जो वस्तु का प्रतिफल देने के बाद, मूल्य देने के बाद जो अंतिम व्यक्ति उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होगा, आंशिक प्रतिफल देकर देने वाला या आंशिक प्रतिफल देने का वचन देने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होगा, उप प्लस भोग यानी प्राप्त करके भोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। देखो जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे वस्तुओं की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, मानव विकास के साथ साथ वस्तुओं की आवश्यकताओं भी बढ़ने लगी, वस्तु का आदान प्रदान होने लगा, वस्तु विनिमय होने लगा और वस्तु विनिमय का गाय को एक वस्तु विनिमय का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था। लेकिन वर्तमान में 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा आज हमने पढ़ी। तो देखते रहिए पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।